आत्मा में बैठे हुए उस परमात्मा का अंश है, आत्मा को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। कमर की गर्दन सीधी, कोमलता से नेत्र बंद, महामंत्र अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र जीवात्मा को शिवात्मा बना दे, मनुष्य के अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदल दे, नर में नारायण को, पुरुष में पुरुषोत्तम को, मानव में महामानव को पैदा कर दे, ऐसा ही दिव्य रसायन गायत्री मंत्र है। इसमें गायत्री और सावित्री दोनों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती है। गायत्री के जो प्रथम पंच अक्षर हैं वो गायत्री मंत्र की देवी है, और शेष जो 24 अक्षर हैं इसे विश्वामित्र के द्वारा जिसको जन कल्याण के लिए सावित्री के रूप में उच्चारित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गायत्री मंत्र की एक बार भी उच्चारण कर लेता है उसमें सुमति, सद्ज्ञान और सत्कर्म का जागरण होता है, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसका भावी जीवन लोक और परलोक दोनों सुधार लेता है। आइए ऐसे दिव्य महामंत्र को जिन्हें याद है साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सामाजिक दुर्बलताओं की कुरीति और विभिन्न प्रकार की विकृति और बुराइयों के गुलाम है। आखिर गुलामी तो गुलामी होती है। कोई अवतारी सत्ता आती है और फिर हमें आज़ादी के लिए उद्घोष करती है, हमें आह्वान करती है। आह्वान तो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग भगवान के चयनित लोग रहते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी पंचायत का चुनाव होता है तो कुछ मतदाता मिल करके पंच, सरपंच या देश का MLA MP चुनते हैं। इनकी सत्ता होती होगी 5 साल और आधी कम भी हो सकती है, लेकिन आप जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सांसद हैं, भगवान के विधायक हैं,
आपकी सत्ता शाश्वत सत्ता है, क्योंकि आपका चयन किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, भगवान ने किया है। गुरुदेव ने एक जगह हमको कहा था, बोले बच्चों आपने यदि घर बार छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के लिए, युग निर्माण योजना के लिए अपना जीवन दान किया है, तो मान करके चलना अपने जीवन के लिए तो आदमी कई बार जी करके आता है, कई माताओं का दूध पी करके आता है, कई बार परिवार दुकान मकान उद्योग फैक्ट्री व्यवसाय करके आता है, फिर एक बार उसको 84 लाख योनि में घूमने के बाद एक मौका और मिलता है, और उस मौके में यदि कहीं ऐसा अवसर आ जाए, ऐसा सौभाग्य आ जाए जो आज आपको मिला है। भाई बहनों, समय दान की कीमत बहुमूल्य रत्नों से भी बड़ी होती है, क्योंकि रत्न तो किसी व्यक्ति के जीवन के अहंकार को बढ़ा सकते हैं, उसके भौतिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका समय दान कितने प्राणियों को, कितने वृक्षों को, कितने गांव के भटके लोगों को, और आपकी जीव आत्मा की कितने दिनों की प्यास को बुझा देगा, जो आपके जीवन का, आपकी आत्मा का महान लक्ष्य है। हमारे ऋषि कहते हैं कि जीव आत्मा का लक्ष्य शांति है। धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार व्यवसाय ये उसका पूरक काम है, क्योंकि इस काम को करते हुए आदमी के अंदर अकर्मण्यता नहीं आए, कर्महीन समाज न बने। लेकिन देख लो, मनुष्य के अलावा 84 लाख योनि के जीव जगत में जल के, थल के, नभ के, गगन के जितने भी पशु पक्षी हैं, इनका भी पेट है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी रोटी दाल की व्यवस्था हो रही, इनके भी सोने के घोंसलों की व्यवस्था हो रही है। इसका मतलब तो ऐसा हुआ, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो विधाता ने रचा है, यहाँ एक आटो सूच की तरह व्यवस्था चल रही है। उस व्यवस्था को और सुंदर बनाने के लिए, उस व्यवस्था को हमारे पुरुषार्थ से भगवान के सहयोगी पुत्र बन करके हम अपने गाँव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने स्वजाति समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हर एक को सोचना चाहिए। भाई बहनों, आपके बीच में हमारे संयोजक बंधु पहुँचे निमंत्रण लेकर के, आपने उस निमंत्रण को पढ़ा, आमंत्रण स्वीकार किया, और आज का पावन 16 जनवरी का दिन आपके गांव के इतिहास का दिन बनने जा रहा है, क्योंकि गायत्री धाम को तीर्थ रूप में विकसित किया है गौ माता ने कठोर तप करके। यहाँ एक पलाश के पेड़ के नीचे गाय रहा करती थी 3 वर्ष तक, न यहाँ कोई मकान था, न कोई खाने का साधन था, न पानी का साधन था, और उसी पलाश के पेड़ के नीचे से गायत्री की साधना और आगंतुकों की जलपान सेवा पूर्ता काम चलता था। पर आज जो आप तीर्थ देख रहे हैं, एक गाय क्या कर सकती है, तो आप आँख मिच के बोल देना कि ना हमारे पड़ोस में गायत्री धाम जो है वो एक गाय ने बनाया है। आज वो गाय माता की इच्छा थी कि बेटा मेरी पंचकोसी में जो गांव आते हैं वो मेरी तीर्थ की किरणें हैं, तो ये मेरे पंचकोसी की तीर्थ किरणों के लोगों को आज 25 साल इस आश्रम को पूरे हो गए, इसकी रजत जयंती का कालखंड चल रहा है, और आप सब लोगों को जब गायत्री धाम में कोई आएगा और बोलेगा हमको गायत्री धाम की तीर्थ परिक्रमा करना है, तो गर्व से कोई पैदल आएंगे, कोई मोटरसाइकिल से आएंगे, कोई कार से आएंगे, कोई साइकिल से आएंगे, आपके गांव की भी परिक्रमा करेंगे। कहते हैं शास्त्रों में, जैसे कोई आदमी नर्मदा की परिक्रमा करता है, किसी मंदिर की परिक्रमा करता है, किसी 4 धाम की परिक्रमा करता है, हिमालय जाकर के 7 नदियों की परिक्रमा करता है, तो ऐसे ही जहाँ गौ माता ने तप किया उसके पंचकोसी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। इन पंचकोसी में 2 पवित्र नदियां पड़ती है, एक देव नदी, एक गोई नदी। इसके तटों के ऊपर बसने वाले गांव के और एबी रोड के इस छोर से बालसमुद तक के छोर के मिलाकर के कुल 25 हनुमान मंदिर पड़ते हैं। यदि पंचकोसी की कोई यात्रा करेगा तो 25 मारुति हनुमान की परिक्रमा हो जाएगी, और इसमें 2 हनुमान मंदिर तो इतने प्राचीन हैं, आप लोग भी आश्चर्य करेंगे, इसका इतिहास के बारे में इन गाँव वालों को भी आज तक पता नहीं है। कहते कि समर्थ रामदास स्वामी ने जब 108 हनुमान मंदिरों की स्थापना की बात कही थी, तो उन्होंने अपने कारागिरों को भेज करके शिलाएं गढ़वाई थी,
उसका एक प्रमाण आपको हमारे कलालदा में मिलेगा, एक प्रमाण इधर जामली के हनुमान जी पे मिलेगा। यदि इधर आप देखोगे ना जाकर के, तो एक गोल शिवालिक पहाड़ी के ऊपर 4x6 की एक घड़ी भी शिला रखी हुई है। मतलब वो हनुमान जी को वहां रखना था, लेकिन वो हनुमान जी की मूर्ति वहां गई नहीं, तो वहां एक बरगद के नीचे आज भी देख सकते आप हनुमान जी है। और उसके आसपास यदि आप देखोगे ना, तो पुराने पत्थर के घड़े हुए मंदिर के अवशेष हैं। मतलब समर्थ रामदास स्वामी ने जो 108 गांव में हनुमान मंदिरों की स्थापना करके व्यायामशालाओं की कल्पना करी थी, वो व्यायामशाला की कल्पनाओं को साकार करने का मतलब होता है कि हम अपने गांव को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से गांव का ऐसा सृजन करें, ऐसा विकास करें कि जहाँ का जंगल, जहाँ की जमीन, जहाँ का गौवंश, जहाँ के नरनारी, जहाँ के देवालय, जहाँ के गांव के नरनारियों के रीति रिवाज, पर्व त्योहार लोगों के लिए एक अनुकरणीय देखने का एक ऐसा माहौल पैदा करे। कार किसी दिन आपको कभी जाना हो तो वहाँ गोई जा करके देखना, फिर पिसनावल जा कर देखना, झोपाली बाल समुद जा कर देखना, इधर बघा टांडा जा करके देखना, इधर जा करके आप पूरी पंचकोशी में गांव का जामना गवाड़ी कुसमी, इधर से जा करके न इधर आपके मेहदगांव आ जाएगा। और ये पूरी पंचकोशी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो इसको भी आप आश्चर्य करेंगे, 55 किलोमीटर में पंचकोशी पूरी हो जाती है। अब हम पैदल चलते हर साल, तो हम आपके गांव में जब पदयात्रा करते तो हमारे साथ में 4 राज्यों के भाई बहन रहते हैं। वो 4 राज्यों के भाई बहन आपके गांव की माटी को ऐसे करके माथे पर लगाएंगे, जैसे ग्राम प्रवेश करेंगे तो हम उसको बोलते हैं ग्राम देवता की ग्राम प्रदक्षिणा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे, बोले भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा गाय में बसती है। ये बड़ा गंभीर विषय है। जिस घर में, जिस गांव में गाय होती है, वहां स्वयं भगवान की गौ नाम की पहली किरण, भुवन भास्कर सूर्य की किरण उस गांव में आती है। क्योंकि गौ शब्द की उत्पत्ति गाय से हुई है और गाय की शब्द की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। यदि आपको कोई पूछे कि हमको धरती पर सूर्य की परिक्रमा करना है, धरती पर सूर्य को रोटी खिलाना, पानी पिलाना है, धरती पे हमको सूर्य की परिक्रमा करना है, जैसे सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो हम भी परिक्रमा करना चाहते सूर्य के। तो एक जगह मैंने गौ विशेष अंक गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें मैंने पढ़ा कि गाय की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा के बराबर है, गाय की परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवताओं का जो अलंकारिक चित्र आप गाय में देखते हैं, वो 33 कोटि गुण है और गुणों के समुच्चय को, अच्छाई के समुच्चय को भगवान कहते हैं। तो मान करके चलना कि जो ध्वज आपके गांव में आएगा, जो विगत 21 वर्षों से गौमाता सुरभि ने 650 गांव की यात्रा स्वयं गाय ने करी थी, पद यात्रा सावरिया सेठ जब गई राजस्थान, तो वहां के पुजारी ने बोला कि मंदिर के अंदर जानवरों को नहीं आने देते, बस इतना केवल बोलना हुआ कि गौ माता अपनी जगह पर इतनी जोर से रंभाई कि गाय जानवर नहीं है, गाय देवताओं की माता है। जानवर तो भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, गाय जानवर नहीं हो सकती, गाय पशु नहीं हो सकती है, वो माताओं की माता है। इतने में उस सावरिया सेठ के मंदिर के ट्रस्टी वहां पर आ गए। गौ माता ने उनकी तरफ देखा, किसी ने मुझे परिचय कराया कि पंडित जी सावरिया सेठ मंदिर के ट्रस्टी महोदय है। मैंने केवल उनको एक लाइन कही, मैं कहा कि जो अंदर सावरिया सेठ बैठे हुए हैं, उनके पास आपने चांदी की गौ माता रख रखी है, और यदि जिंदी गाय माता सावरिया सेठ से मिले तो कोई सावरिया सेठ को तकलीफ होगी क्या? बोले कोई तकलीफ नहीं। इतना बोलते ही आप आश्चर्य करेंगे, जो कपाट बंद थे वो कपाट खुल गए मंदिर के, और 700 लोगों ने उस घटना को देखा, और गौ माता के साथ 700 लोग थे। गौ माता अंदर गई मंदिर में, और जैसे ही सावरिया सेठ को सुरभि माता ने जैसे ही देखा कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया, और वो 700 लोग आज इस बात की गवाह है कि गौ माता को केवल पशु कहने पर उसने अपना प्रकाश का परिचय वहां दे दिया कि गौ माता पशु नहीं होती है। जब योगीराज भगवान श्री कृष्ण गोपाल बनकर के 60 लाख गायों को चरा सकते हैं, भगवान राम 12 लाख गायों, ब्राह्मणों ऋषियों को गौदान करा करके जब अपना शिव धनुष का विराम करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो गाय की महिमा और विज्ञान को
विस्तार से आपको हम आपके गांव में आके बताएंगे। आपको आज हम ये तीन तरु जो दे रहे हैं आपके सामने रखे हुए हैं, इसके अंदर पाकड़ है, मौल श्री है और एक अद्भुत तरु है जो आपके क्षेत्र के अंदर जा करके समृद्धि और स्वर्ग पैदा करेगा, जिसको पारिजात कहते हैं। कहते हैं कि रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से जीत करी कि नहीं, मेरे को तो स्वर्ग का हर श्रृंगारी का पारिजात का तरु ला करके देव। भगवान ने देवताओं का आह्वान किया तो इंद्र ने इंद्र रथ के द्वारा इस पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से धरती पर लाए और रुक्मणी के कहने पर पंचकोसी जो वृक्ष की और मथुरा की है उसमें पारिजात को रोपित किया गया। आज गौ माता की समाधि से 2021 की कुंभ के पावन अवसर पर ये पाकड़ में कहते हैं कि सभी प्रकार के ऋषिगण पितृगण और सभी प्रकार के फलों के प्राण इससे पैदा होते हैं। जहाँ पर पाकड़ का पेड़ रहता है वहाँ पर्जन्य संतुलित होता है, जहाँ पाकड़ का पेड़ होता है वहाँ रेडिएशन विकिरण जो आती सूर्य से और मोबाइल तरंगों की किरण उसको भी निष्क्रिय करता है। न्यूनताप पाकड़ के पेड़ के नीचे 10 मोबाइल रख करके उसको 10 बार मिसकाल करके देखना और उस जगह का ओरा नापना, वो ओरा बराबर अपने लेवल पर काम करता है। और जहाँ पर सामान्य जगह में मिसकाल देना वहाँ पर ओरा जीरो हो जाता है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी अधिक हो जाती है। मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी रक्षा एक पाकड़ का पेड़ करता है। ये सब चीजें दुर्लभ हो चुकी है। ये जो आपको इसका पौधा दिया है मोल श्री का, इसमें माता लक्ष्मी का वास रहता है, इसमें कभी पतझड़ नहीं होता है, इस पौधा सदा हरा रहता है। इससे कोलगेट बनता है, मंजन बनता है, दांत की कैसी भी बीमारी हो उसको ये ठीक करता है। इसका पत्ता एक फल एक रोटी के बराबर ताकत देता है। आपका जो जामुन का फल आता है ऐसा इसका पीला फल लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसके फल छाल फूल पत्तों से छाल से हवन सामग्री बनती है, जिसका यज्ञ करने से गांव में घर में शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे दुर्लभ तरुओं को आज आप आमंत्रण दे करके इसको हमने नाम क्या दिया, ग्राम देव तरु। जैसे गांव में भगवान रहता ना ग्राम देवता, तो हम जब पूजा करवाते हैं तो क्या बोलते, ग्राम देवता भ्यो नमः। हम ग्राम को देवता तो बोलते हैं लेकिन ग्राम देवता का 24 घंटा प्राण 24 घंटा जीवन ये वृक्ष से चलता है। तो आज आपका सौभाग्य है, अभी तक हमने 740 गांव में ग्राम देवताओं की स्थापना करी है। ये 18 गांव इस वर्ष से जुड़ेंगे। ये 18 गांव के ये ग्राम देवता ग्राम तरु के रूप में जा रहे हैं। एक पेड़ बीज प्रसारण से लग गया, नीम की निमोली गिरी उग गया, बरगद की गिरी बरगद उग गया, पीपल उग गया, आंवला उग गया, ये तो स्वयं की मेहनत से उगे हैं। लेकिन किसी देव स्थान से संकल्प पूर्वक निमंत्रण देकर के ले जाकर के जो रोपित किए जाते हैं इसे ग्राम तरु कहते हैं। ये ग्राम तरु आपके गांव में जब पल्लवित पुष्पित और छायादार बनेंगे तो आपका नाम युगो युगो तक रहेगा। आपके गांव के मकान सड़के और आपकी जो भी कागज की डिग्री और पद है ये नाम चलाए ना चलाए लेकिन ये पेड़ जरूर चलाएगा। कभी गांव में किसी जाओ तो लोग बोलते हैं ये हमारे बाबा के हाथ का लगाया हुआ बरगद का झाड़ है, ये हमारे पिताजी के हाथ का लगाया अशोक का झाड़ है। उनको झाड़ लगाने का बहुत शौक था, वो झाड़ को लगाते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, महीने 15 दिन में उसके देखने जाते थे, एक बाल्टी पानी डालते थे। छिंदवाड़ा गौ यात्रा हमारी चल रही थी तो केन टंगी थी एक साइकिल पर 55 साल का व्यक्ति जा रहा था। मैंने उसको बाजू वाले से पूछा बकर अभी भी तुम्हारे गांव में लोग ऐसे ड्रम से पानी डालते हैं, घर घर नल पहुंच गया। नहीं पंडित जी, ये आदमी घर के लिए पानी नहीं ले जाता है। इस व्यक्ति का तुमको मैं बताता, वो व्यक्ति ऐसा दूर था उसने कहा व्यक्ति से मैं मिलवाता। वो व्यक्ति हमारे पास आया, बोले पोस्टमैन साहब है, ये अभी पोस्टमैन की नौकरी करते हैं और इन्होंने व्रत लिया है कि छिंदवाड़ा के गाँव के बाहर सड़क के किनारे पर दोनों तरफ इसने 108 बड़ पीपल नीम की त्रिवेणियां और फलदार पेड़ लगा रखे हैं। ये 2 घंटा इस रोड पे एक दिन सप्ताह में एक दिन इधर इसी रोड के ऊपर ये डब्बों से पानी डालता है। और ये जो 7-7 फीट 8-8 फीट के जो आपने रास्ते भर जो पेड़ देखे
इस आदमी की मेहनत की पसीने की बूंदे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने उस आदमी के पैर पड़े, उसकी परिक्रमा करी, उसके पेड़ को जाकर के परिक्रमा करी। मका धन्य है इस व्यक्ति के माँ बाप, धन्य इस व्यक्ति की नियत, धन्य इसके रगों में घूमने वाला खून कि जिसने आज इस सड़क के पेड़ तो कर गए पक्की सड़क बनाने के नाम पर, लेकिन इस व्यक्ति ने धरती माता में भारी चुनर उड़ा दी। लोगों को देखा होगा आपने, कोई नर्मदा को चुनर उड़ाता है, कोई नदियों को चुनर उड़ाता है, कोई गंगा जी को उड़ाता है, कोई देवी देवताओं को उड़ाता है। हमारी चुनर यात्रा बहुत अलग है। हमारा ऋषि कहता है कि देवी देवताओं के पत्थर के मंदिरों को और नदियों को तुम चुनर उड़ाना ही चाहते हो तो हरे भरे पेड़ों की चुनर उड़ाओ ताकि उनके तट हरे भरे रहे, गांव हरे भरे रहे। यदि ऐसा हमने कर दिया, ये धरती माता माँ भारती लहराएगी और आपको युगो युगो तक ये याद करेगी, धरती का एक एक कण कण। मेरे बाद आप बोलना है वृक्ष, क्या बोलना है सब लोग बोलो, बोलो वृक्ष देवता, एक बार बोलो तो अब मैं बोलते जाऊंगा, आप कौन बोलते जाना वृक्ष देवता, ठीक है ना। पानी कौन देता है, ठंडी छांव कौन देता है, फूल पत्ती फल कौन देता है, लोगों के कष्ट कौन लेता है, जहर कौन पीता है, धरती की मृदा शक्ति को कौन बढ़ाता है, आकाश के पर्जन्य को कौन खींचता है, तापमान की गर्मी को कौन ठंडा करता है, पलने में कौन झुलाता है, घर के खिड़की दरवाजे में कौन है, आदमी मरता है तो शमशान में पहले कौन जाता है, आदमी के जीवन के सुख दुख में जड़ी बूटी के रूप में कौन काम आता है, जब हम सो जाते हैं तो गहरी नींद में हमारे फेफड़ों को कौन चलाता है, जब हमारे घर में बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है चल नहीं पाता है तो उसके हाथ की लाठी बन करके कौन खड़ा होता है। सब कुछ देने के बाद में कहीं जगह पर उसने अपना बॉर्डर ही लगवाया, सब कुछ करने के बाद में भी उसी ने किसी को ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए जीता हूं। हर पल हर क्षण यदि कोई जीता है किसी के लिए, जो अपने लिए कुछ भी नहीं जीता है उसका नाम है वृक्ष। यदि आप में से कोई बोल दे कि वृक्ष अपने लिए इस जगह पर जीता है, एक जरा सा भी कोई काम वृक्ष का ऐसा नहीं है जो अपने लिए करता है। फल लगे औरों के लिए, छाया है औरों के लिए, वो खुद धूप में ही रहता है, उसको छाया नहीं लगती है। यदि वो अपने अंदर प्राण भी पीता है तो कौन सा पीता है, बोलो ना। जो अपना प्राण छोड़ते हैं कौन सा छोड़ते हैं, जहर कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन पीता है, वृक्ष पीता है। वो वृक्ष कहता है कि मैं इंसान के नाक के साथ 24 घंटे जुड़ा हूं, एक पल यदि मेरे को कोई याद करना चाहे तो दोनों नाक बंद करके देखे तो उसको मेरी याद आ जाएगी कि मैं उसके लिए किस जगह से आकर प्रकट हो जाऊं। नाक बंद करते ही झाड़ की याद आएगी, मेरा नाक बंद करके देखो अभी आपको याद आ जाएगी कि झाड़ का अपने जीवन में कितना महत्व है। आदमी छटपटाने लगेगा, दम घुटने लगेगा और ज्यादा देर नाक बंद कर दी तो राम नाम सत्य हो जाएगा और उसी पेड़ को सदगति के लिए शमशान में भी जाना पड़ेगा। एक बात पक्की हो गई है, भगवान ने 14 साल का वनवास किया था, कितने साल का वन का वास किया था, महलों को त्यागा था और वन का वास किया था। ऐसा नहीं कि वो कहीं वन में अपने जीवन के परिवार का दुख रोने के लिए गए थे, वो गिरिवासी वनवासी अरण्य गांव की संस्कृति को सजीव और जीवंत बनाने के लिए गए थे। वो जानते थे कि यदि गांव बचे तो राजा की हद जिंदा रहेगी और उनको काम करने के लिए कोई सीमा नहीं थी, क्यों तो प्रभु थे। अब बताओ अयोध्या का राम रामेश्वर में जाकर के समुद्र के किनारे रामेश्वर की स्थापना करता है, वहां जाकर के नासिक में पंचवटी लगाता है, ये क्या है। मैंने नानक का चरित्र पढ़ा तो नानक जा जा गए वहां वहां बेर के नीचे सोते थे और जब बेर के फल लगते थे तो लंगर में बेर के फल सबको नानक खुद बांटते थे। भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ा तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में गुरु ने वृक्ष के नीचे 240 दिन की अखंड मौन साधना करके बुद्धत्व का महानिर्वाण प्राप्त किया। उस सम्राट ने
जिसने धन वैभव छोड़ करके और वृक्ष के नीचे अपना जीवन को प्राप्त किया। 16 कला के अवतारी भगवान कृष्ण ने, जिनके जीवन में कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन उनको कोई रात को 24 घंटे में कभी भी पूछे तो बहुत प्यारा क्या है, तो बोले कदम का वृक्ष बहुत प्यारा है। तो कदम के वृक्ष पे कदम कदम पे डालियां रहती है, और दिन में सैकड़ों बार भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पे चढ़ते थे और उतरते थे। कहते कि भगवान कृष्ण को कदम का पेड़ बहुत प्रिय था। भाइयों बहनों, ऋषियों का यदि चरित्र पढ़ो, योगियों का चरित्र पढ़ो, तो उन्होंने आरण्यकों में ही जाकर के तपस्या करे। उसका कारण क्या होता है, पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप 10 मिनट गायत्री जप कर लो, तो वही गायत्री आप 10 साल तक किसी मंदिर के नीचे बैठ करके करोगे, वो जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य केवल 10 मिनट में पीपल के नीचे प्राप्त होता है। ऐसा मैंने पिपलाद ऋषि के चरित्र में पढ़ा। बिल्व ऋषि केवल बेल के पत्ते ही खाते थे, बेल के फल ही खाते थे, वो बेल के नीचे ही गायत्री जप करते थे। दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा ही खाते थे, दुर्वा पकड़ करके ही गायत्री जप करते थे। इनका चरित्र जब पढ़ा तो जब समझ में आया कि इन पेड़ों में अलग अलग विज्ञान है और इससे रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ मिलती है। एक कोई सेठ जी थे जिनकी पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी, तो ऐसे ही सज्जा जी जिनका बोले भैया मत रो मत परेशान हो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं दीदी, अब तो मैं जीरो से भी नीचे होगा, कुछ नहीं अच्छा होगा। जीजी के पास वहाँ एक बेल पत्र का वृक्ष रखा हुआ था, बहुत सारे कुटिया में रहते हैं, गुरुदेव माता जी गौ माता का नाम लेकर के पूजन करके रोते आदमी को कुछ भेज भी नहीं सकते खाली, उसको दे दिया। यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, एरंडोल में उनकी बालाजी आयल मिल करके है, आयल की फैक्ट्री पूरे महाराष्ट्र में तेल पूरा था। अभी 4 दिन पहले वो सेठ जी आया, इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, अब करोड़ों का टर्नओवर हो रहा, क्या दे दिया बोले। तो हमने एक ही बात बोली, कुछ भी नहीं दिया, सब आप ही के पास था। वो जगह के ऊपर जो अलक्ष्मी प्रवेश कर गई थी, तो बेलपत्र के झाड़ के अंदर माता लक्ष्मी का वास रहता है, और जब पहली बार गौ माता ने गोबर करा तो बेलपत्र के पौधे का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसमें वात पित्त कफ को संतुलित करने का, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य देने के गुण होते हैं। उत्तर दिशा में घर खेत के मेड़ पे भी बेलपत्र लगा दिया तो समृद्धि समृद्धि। आज भी उनके कारखाने में एंट्री करोगे तो गेट के ऊपर बेलपत्र का झाड़ दिखेगा आपको। बोलते हम पहले उसको प्रणाम करते फिर फैक्ट्री में कदम रखते हैं। एक नहीं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है जिनके जीवन में जो कुछ गया वो वापस केवल तरु की सेवा से आया। ये समय है भाइयों बहनों, यदि ग्लोबल वार्मिंग के विश्व में पर्यावरण संकट की लोग बातें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन आप समय बात करने का नहीं है, काम करने का है। तो ये 3 तरुओं को आप हाथ में चावल लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए, जो वृक्ष के पास बैठे हैं आपके सामने आरती रखी हुई है। ये आरती सुपारी के पत्ते की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, आसन भी पूस का बना हुआ है, तो केवल चावल लेना है। अब मेरे बाद अंतकरण की गहराइयों से आपको बोलना है। सभी वृक्षों के पास लोग आ चुके हैं भैया, आवाहन आप स्वीकार करें। सतदेव जी जी स्वस्ति वाचन के पाठ से आह्वान करेगी, आप 2-2 दाने तीनों पेड़ों के अंदर छोड़ते जा रहे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति रक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो नः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता। तानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम कामधेनु विद्महे समुद्रमंथने प्रगटे धीमहि तन्ना सुरभि प्रचोदयात्।
ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ना सूर्य प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़कर सिर झुका लीजिए, नमन वंदन प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। अब इन तरुओं को जब आप विदा भोजन के बाद में, तो भोजन प्रसाद के बाद जब विदा होंगे तो अपने अपने तरु का नंबर याद कर लेंगे। यहाँ से मैं नंबर बोल रहा हूँ, एक नंबर हाथ खड़ा कर दे भैया दोनों भाई, दो नंबर, तीन नंबर। हमें पांच चीजें बड़ी अद्भुत देखने लायक है। प्राणदीप कुंज सप्त ऋषि और ऋषि कृषि का अरण्य, जहाँ अंजन और मोलसिरिका और पंच तुलसी का बगीचा है। इसके अंदर सरोवर बने हुए हैं, सरोवर के अंदर घाट बना हुआ है जहाँ 5000 लोग बैठ जाए, इतना बड़ा घाट बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर गौ विज्ञान शाला है, हाथी के बच्चे जैसी गायें। अभी आपके कर कमलों से गन्ना खिलाएंगे गायों को। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, मकर संक्रांति से लगाकर एक महीने तक गायों को गन्ने को पीस करके उसका कल्प करवाते हैं। देव उठने 11 के दिन भी शुरू करते हैं ताकि गायों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभी आप देखना गौ माता को पानी पीती, मुंह डालेगी पानी आना शुरू हो जाएगा। नमक और चूने से कुंड को पोतते हैं, फिर गायों को पानी पिलाते हैं। एक टाइम का 5 से 7 लीटर दूध देती है, ऐसी दुधारू गायें हैं जिनके पंच गव्य से 44 प्रकार की औषधियाँ बनती है। ये संत आवास है, यहाँ पर 700 से 800 आते और जाते में जैन साधु संत मुनि लोग यहाँ पे वास करते हैं। माता जी का इधर चौका है जहाँ से 400 भैया बहन गुरुकुल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। गौ माता सुरभि ने कहा था, बेटा पूरे आश्रम का निर्माण कार्य जब पूर्ण हो जाए तो अंत में सुरभि मंडपम का निर्माण करना। ये जो आप देख रहे हैं 5 करोड़ का ये सुरभि मंडपम बन रहा है। इस सुरभि मंडपम में 40 कमरे हैं, 5000 लोग ऐसे बैठ जाएं जैसे ऑडिटोरियम हॉल में किसी दिल्ली लखनऊ के बड़े महानगरों में रहता है। ऐसा इतनी छोटी सी जगह पर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। जब यहाँ पर पंचकोशी का बड़ा आयोजन होगा 27 अप्रैल को, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, 21 फीट ऊंचा है, 14 फीट लंबा है और ये पूरा पत्थर का बनकर के आ रहा है भीलवाड़ा राजस्थान से। और ये हनुमान जी कैसे आ रहे हैं वो सामने चित्र लगा, ऐसा गौ माता सुरभि ने गायत्री धाम की अध्यक्षता हनुमान जी महाराज को दी है। तो यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है या ये प्रतिष्ठान चल रहा है उसकी अध्यक्षता हम कभी भी व्यक्ति को नहीं देते हैं, सम्माननीय अतिथि हम किसी को भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ की अध्यक्षता का काम स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं। तो हनुमान जी की प्रतिमा अभी सुंदर लग रही है। हमारे महेश भाई भी उस मंदिर के सहयोगी है। ये हमारे राधे श्याम जी बैठे हुए बाल समुद वाले, जिन्होंने उधर की करीब 2.25 एकड़ जमीन गौ माता के चारे